तारिक अहमद, जाने क्या है सच। आतिक अहमद को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 15 साल पहले समाजवादी पार्टी के खिलाफ आतिक ने कांग्रेस का साथ दिया था। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु करार को लेकर 2008 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, तब समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद आतिक अहमद ने अपनी पार्टी के व्हिप की अवहेलना कर सत्तारूढ़ गठबंधन के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। लोकसभा के रिकॉर्ड से यह जानकारी प्राप्त हुई है। रविवार को पीटीआई भाषा के एक खबर में बाहुबलीज ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू वैलेट नामक पुस्तक के हवाले से दावा किया गया था कि आतिक ने कर्तव्य परायणता के साथ अपना कीमती वोट डाला था और इसमें कोई शक नहीं कि वह वोट संकटग्रस्त संपर्क के पक्ष में था। हालांकि संसद के रिकॉर्ड के अनुसार यह दावा गलत है। आतिक सभा के उन 6 सांसदों में शामिल थे जिन्हें वेब का उल्लंघन करने पर पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। हालांकि रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह पुस्तक राजेश सिंह द्वारा लिखी गई है। बता दें कि आतिक अहमद की हत्या के बाद से बीते 3 दिनों के दौरान ये दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि आतिक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या शनिवार को प्रयागराज में कर दी गई थी। इसके बाद तीनों गोली मारने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था।